शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेसबॉल के डंडे से पीट कर 24 वर्षीय युवक की हत्या का मामला मंगलवार को सामने आया। इस मामले में पुलिस ने वलनी के सरपंच लाइक अंसारी, राजा बाबू अंसारी, इलू अंसारी, सोहेल अंसारी और रोशन कुमार साहनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। घटना के बाद ही रोशन कुमार को खापरखेड़ा पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि राजा बाबू, सोहेल और इलू ने बुधवार की दोपहर को सरेंडर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार एक पुराने विवाद के मामले में मृतक मोबिन खान ने कुछ जानकारी सार्वजनिक कर दी। इससे खफा होकर मोबिन का मोबाइल छीन कर उसकी जाँच की। मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमे मोबिन एक लड़की से बात कर रहा था। इस घटना का पता चलने के बाद 15 अगस्त को अंसारी भाइयों ने मिलकर मोबिन से मारपीट की और उस लड़की से दूर रहने की चेतावनी दी। बुधवार को मोबिन उत्तर प्रदेश अपने गांव जाने वाला था, लेकिन मंगलवार को मोबिन ने लड़की को मैसेज किया। इसी वजह से अंसारी भाइयों ने मोबिन को चनकापुर से वलनी जाने वाले मार्ग पर पकड़ लिया। मोबिन को बेसबॉल और हॉकी के डंडे से पीट कर गंभीर जख्मी कर दिया। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मोबिन की रात 12 बजे मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वल्ली के सरपंच लईक अंसारी इस घटना के समय कहीं और थे। जानबूझकर शिकायतकर्ता ने उसके नाम से शिकायत दर्ज की। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन में आए हैं और कनन के डीवाईएसपी संजय जी गुज्जरवार यहाँ पे है। हम उनसे कल वल्ली में हुए घटना के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। सर, कल हुए घटना के बारे में आप हमें पूरी जानकारी दें। पुलिस स्टेशन खापरखेड़ा में वन्नी गांव में कल दोपहर को पुरानी दुश्मनी की वजह से झगड़ा हुआ। वो झगड़े में मृतक मोहित खान इसको ज्यादा मार लगने से कल एडमिट था। कल रात को 12:30 बजे उनका देहांत हो गया। इस रिपोर्ट की ओर से कल दोपहर को 307 दाखिल हुआ था। रात को वो डेथ होने से सेवरेज में 302 कलम ऐड करना किया है और उसमें रात को एक आरोपी अटक किया हुआ है, जो इसका पीसीआर लेंगे। बाकी आरोपियां शाम तक अटक किए जाएंगे।